और तीरंदाजी की दुनिया में जलवे बिखेरने वाली सोनी खातून की सड़क किनारे सब्जी बेचने को वो मजबूर है। राष्ट्रीय विद्यालय तीरंदाजी प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली सोनी झरिया में सड़क किनारे सब्जी बेच रही है। उसकी सुध न खेल प्रेमी ले रहे हैं और ना ही सरकार और ना ही तीरंदाजी संघ। अब उसकी बेबसी पर सीएम ने संज्ञान लिया है। तरकश में रखे इन तीरों को किसी हुनरमंद योद्धा का इंतजार है। यहाँ धनुष भी तैयार है, लेकिन इस धनुष को चलाने वाले और तीरों से सटीक निशाना साधने वाले तीरंदाज आज एक बेबसी की कहानी बयां करती है। ये कहानी है 23 साल की सोनी खातून की। सोनी आज बाजार में सब्जी बेचने को मजबूर है। सोनी कैसे खेल के मैदान से सड़क पर आ गई, ये कहानी जानने के लिए हम आपको 9 साल पहले पुणे लिए चलते हैं, जब राष्ट्रीय विद्यालय तीरंदाजी प्रतियोगिता में सोनी ने स्वर्ण पदक हासिल किया था। छोटी सी उम्र में सोनी की इस काबिलियत को देखकर सभी हैरान हो गए थे। अपनी मंजिल की तलाश में सोनी टाटा आर्चरी एकेडमी का हिस्सा भी बनी, लेकिन शायद सोनी की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। दो साल पहले अभ्यास के दौरान सोनी के कुछ उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए। बेबस सोनी अपने अभ्यास से दूर हो गई और यहीं से सोनी की बेबसी की कहानी शुरू हो गई। फर्स्ट बार नेशनल पुणे में खेले थे, उसके बाद हम त्रिपुरा में भी स्टेट मीट खेले थे, उसके बाद बोकारो में भी खेले, चाईबासा में भी खेले स्टेट मीट। और अब सब्जी बेचने का यह कारण है कि मेरे पापा बेरोजगार हैं, मेरे पापा का काम नहीं काम कर सकते, इसलिए हम लॉकडाउन में सब्जी बेच रहे। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, सोनी के खेल के भरोसे पूरा परिवार काफी उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन 3 महीने के लॉकडाउन ने स्थिति और खराब कर दी। खाना उना मिलता नहीं है तो बच्चा लोग का दिक्कत, भूखल तो नहीं न रह सकता है, इसलिए हम लोग रोड पर निकल गए सब्जी बेचने के लिए। और कोई रास्ता है, घर का काम करते थे वो भी अभी कोई नहीं रखेगा घर के लिए, बोलेगा कि नहीं अभी काम मत करो, तो सब्जी बेचने। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली सोनी सब्जी बेचने को मजबूर हो गई। क्या करेंगे, मतलब घर का मुसीबत ऐसा है, हम तो काम करने सकते नहीं है, उसी कारण देख के मैं लड़की निकली है, बोली क्या करे पापा सकता नहीं काम करने के लिए, तो चलते हम ही लोग, हम लोग तो लड़का उड़का है ना, जो भी है यही लोग है। पिता के काम बंद होने के बाद सोनी तीरंदाजी से बिल्कुल ही दूर हो गई और अब उसका पूरा ध्यान घर चलाने पर था। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान सोनी खातून सड़क पर सब्जी बेचने को मजबूर हो गई। सोनी की गुहार रंग लाई और प्रशासन की तरफ से सहायता राशि प्रदान की गई। सोनी को फिलहाल के लिए कुछ राहत मिली है, लेकिन उम्मीद इससे कुछ ज्यादा है। झारखंड में तीरंदाजी को एक प्रमुख खेल के रूप में देखा जाता है, ऐसे में क्या हम सोनी के रूप में एक और दीपिका को नहीं देख सकते थे? उम्मीद की जाती है कि एक बार फिर तीर धनुष के साथ मैदान में सोनी नजर आएगी।